मंगलेश जी नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? लाउड इंडिया टीवी में दर्शकों का स्वागत है और मंगलेश जी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। मैं मंगलेश जी से पूछना चाहता हूं आप कैसे हैं। उसका कारण है, स्टार जर्नलिस्ट सिर्फ होते नहीं हैं, स्टार जर्नलिस्ट वो होते हैं जो दूसरे लोगों को बनाते हैं। और जिस बात की मुझे बेहद खुशी है, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन लोगों ने ये कहा कि मंगलेश जी ने हमको पत्रकार बनने में बहुत मदद की, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शुरू में मंगलेश जी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप पहाड़ों से आए, नीचे पहाड़ों से ही आपने सुगंध बिखेरनी शुरू की, क्या आपको लेखन, कविता, कहानी अच्छा लगा या जर्नलिज्म अच्छा लगा? क्यों आप पत्रकारिता में आए? जी, बहुत धन्यवाद आपको। और संतोष जी, आपसे एक अरसे बाद इस माध्यम वर्चुअल माध्यम में मुलाकात हो रही है। तो और इस समय, ये जो महामारी का समय है, इसमें हम लोग इस तरह जुड़ रहे हैं आपस में, तो ये हम एक तरह से अपने को अनलॉक कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्चुअल अनलॉकिंग जो है इस समय। तो आपका भी बहुत धन्यवाद, और मुझे भी आपको देखकर बहुत खुशी हुई इतने अरसे के बाद। और अच्छी बात है, आप बदले नहीं है, जैसे कि हम लोग भी नहीं बदले हैं। आप, पूरी दुनिया बदल गई है, लेकिन हम लोग ऐसे ही है। तो आप देखिए, जो सवाल आपने पूछा है, देखिए, मैंने तो साहित्य से ही शुरू किया, और क्योंकि हमारे घर में एक साहित्यिक वातावरण था, संस्कृत, आयुर्वेद, ज्योतिष और आदि आदि जैसा होता है इस तरह के परिवारों में। तो लेकिन मुझे शुरू से ही एक पत्रकारिता में खास तरह की रुचि रही। और मैं जब 15 या 16 वर्ष का था, तो उस समय चंबा मसूरी पल पट्टी योजना का उद्घाटन हुआ था। बहुत लंबी चौड़ी पट्टी थी वो, और उस समय मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी, उन्होंने उद्घाटन किया था। उस पर मैंने एक रिपोर्ट लिखी, जो कि हमारे यहाँ एक साप्ताहिक था, जिसको भैरव दत्त धूलिया जी के संपादन में, जो स्वाधीनता सेनानी थे, वो निकलता था, कर्म भूमि नाम का, और जिनके खानदान के लोग हैं, सुभाष धूलिया वगैरह। तो वो मैंने उनको मैंने भेजी, तो उन्होंने अपनी ओर से उसमें बहुत सी चीजें जोड़ करके, और बड़े कांग्रेस विरोधी वो थे, तो जोड़ करके, और उन्हें लगा ये कौन पत्रकार है। उन्होंने मुझे एक बहुत लंबा वो लिखा पत्र कि भाई आप कौन है, और आपका पता पत्र अभी तक नहीं है, और आपने क्या क्या लिखा है बताइए। उनको लगा मैं कोई बहुत उम्रदार व्यक्ति हूँ। तो मैंने लिखा कि मैं सिर्फ 15 साल का लड़का हूँ एक, और जो जिसकी रुचि है इन चीजों में। तो एक तरह से वो पत्रकारिता वो मेरे दिमाग में बैठी रही। फिर मैं रोजगार की तलाश में आया, कविताएं लिखने गया, देहरादून आया, कविताएं लिखने लग गया। देहरादून में मैंने एक 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 पत्र था, युगवाणी, जो जो फिर से स्वाधीनता सेनानी निकालते थे उसको, आचार्य गोपेश्वर कोठिया, और उनका पत्र था युगवाणी साप्ताहिक, उसमें मैं लिखा करता था, और उसमें प्रूफ भी पढ़ता था। और मैं एक तरह से आचार्य की पाठशाला में ही एक पत्रकारिता मैंने सीखी और की। फिर मैं दिल्ली आ गया रोजगार की तलाश में। दिल्ली में मुझे नौकरी मिली, संयोग से वो पहली नौकरी जो मिली वो पत्रकारिता की ही थी। तो इस तरह से मैं अनायास पत्रकार हो गया, उसके लिए मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। उस समय पत्रकारिता की डिग्रीज के बारे में नहीं पूछा जाता था, अगर आपको लिखना आता है तो आप पत्रकार हो सकते हैं। तो इस तरह मैं हिंदी पेट्रियट में पत्रकार हो गया, वहाँ अनुवाद की ट्रेनिंग भी मिल गई, और आदि आदि, मतलब ये सब। तो इस तरह से ये जीवन और रोजगार, मतलब एक साथ एक साथ चल पड़ा। तो उसी तरह मुझे कविता में भी कोई बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं जब कुछ कविताएं लेकर दिल्ली आया, तो उनमें एक कुछ इस तरह के बिंब थे, इस तरह के दृश्य थे पहाड़ी जीवन से संबंधित, जो कि शायद पहले हिंदी कविता में नहीं आए। तो लोगों को लगा कि अरे, ये तो एक तो पहाड़ी हवा का झोंका इधर एक आ गया है, तो ये झोंका जो है मुझे इस पर कोई समस्या नहीं हुई। अपने आप को कवि के रूप में अपनी अपनी पहचान बनाने की, तो इस तरह। हाँ, ये था कि जीवन का संघर्ष बहुत करना पड़ा, तो मेरे पास डिग्रियां नहीं थी, और मेरे पास कैरियर नहीं बन सकता था मेरा, और तब तक मैं मार्क्सवाद के संपर्क में भी आ गया। तो जब आप मार्क्सवाद के संपर्क में आते हैं, तो आपको ये लगता है कि
या आप गलतफहमी होती है कि अब आप हर चीज का कार्य कारण संबंध जान चुके हैं, ये जान चुके हैं कि इस तरह से क्यों क्यों होता है, अन्याय होता है तो क्यों होता है, अत्याचार होता है तो क्यों होता है, समाज में अमीरी गरीबी और जो वर्ग भेद है वो क्यों है, क्या कारण है उसका, तो आप जान जाते हैं और ऐसा लगता है कि जान गए हैं, तो फिर उसके बाद आगे पढ़ने की और जरूरत नहीं रहती औपचारिक शिक्षा की। तो इस तरह मैं पत्रकारिता में आया और संयोग से मुझे ठीक ठाक नौकरियां मिलती गई जिनमें कोई बहुत पैसा नहीं था, लेकिन एक तरह का संतोष था। उर्मिले, किस किस मंगलेश जी संपादक के संपर्क में आ पाए? जी किन किन संपादकों के साथ काम किया और उनमें से किसने आपके ऊपर प्रभाव डाला? आपने देखिए, प्रभात मैंने खबर नहीं, से आपने प्रभात खबर से शुरू किया था शायद? नहीं, प्रभात खबर नहीं, अमृत बाजार पत्रिका। पेट्रियट पेट्रियट शुरू किया मैंने, हिंदी पेट्रियट, उस समय जी साप्ताहिक था वो, उसके संपादक थे जगदीश स्वामीनाथन जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े चित्रकार हैं, और जी वो क्योंकि क्योंकि पेट्रियट सारे ऐसे लोग निकालते थे जो एक जमाने कम्युनिस्ट रहे थे, और स्वामीनाथन भी एक जमाने में कम्युनिस्ट थे, और स्वामीनाथन संपादक थे उसके। स्वामीनाथन बहुत की प्रतिभा अत्यंत चमत्कृत करने वाली थी, वो जो कलाकार तो थे ही, वो चिंतक भी थे, कला विचारक भी थे, पत्रकार भी थे, वो अपने अपने समय के कम्युनिस्ट आंदोलन से भी जुड़े थे, और उनकी हिंदी भी उतनी अच्छी थी, हालांकि वो मलयालम भाषी थे, और उनकी पत्रकारिता में भी बहुत दमखम था, और यहाँ तक वो जासूसी उपन्यास भी लिखते थे। तो मेरा काम यह था कि मैं हर हफ्ते उनको ये बताऊं कि पिछली कड़ी में क्या हुआ था, वो घटनाक्रम क्या था, जासूस ने क्या क्या किया, अब आप क्या करेंगे आगे, तो वो भूल जाते थे हमेशा लिखकर लिखकर। तो उनका प्रशिक्षण रहा, वो उसका मुझ पर बहुत असर हुआ है। असल में वहां मैंने पैट्रियट में बहुत कुछ सीखा, पैट्रियट में लिंक में पत्रिका निकलती थी जिसमें आर्ट के बारे में बहुत चर्चा था। तो उसके बाद मैं रघुवीर साहब का दिनमान, जिसके प्रति हम लोगों के मन में एक बेहद सम्मान था, मैंने रघुवीर साहब के साथ कभी काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने दिनमान के लिए लिखा, पहले मेरा नाम से, फिर मेरा नाम भी छपने लग गया। दिनमान में नाम का छपना बहुत मुश्किल होता था, और दिनमान बिल्कुल में एक बिल्कुल पत्र भी हमारा छप जाता था तो हमें लगता था कि एक बड़ी उपलब्धि है। तो दिनमान के बिल्कुल उस समय के कई पत्र लेखक बाद में अच्छे लेखक हुए, अच्छे इतिहासकार हुए, उनमें एक मैं भी हूँ, और मैं तो अच्छा हूं या नहीं अलग अलग बात है, तो उसके शेखर पाठक हैं, शेखर पाठक हैं, बहुत से दूसरे लोग हैं जो जी दिनमान में उन्होंने पत्र लिखने से शुरुआत की अपने लेखन की। तो दिनमान ने हमें हमारे सामने दुनिया की राजनीति, विचार, कला, संस्कृति, सिनेमा, साहित्य की ऐसी ऐसी खिड़कियां खोली जो बिल्कुल पहले हमारे लिए बंद थी। तो दिनमान का बहुत बड़ा योगदान हमारे संस्कारों पर, मेरे संस्कार पर। उसके बाद मैं रघुवीर जी से एक और अच्छी मित्रता हो गई, और रघुवीर जी ने अपने जीवन का जो अंतिम स्तंभ लिखा था वो जनसत्ता में ही लिखा था, अर्थात उसके बाद अगले अगले सप्ताह उनकी मृत्यु, तो वे अंत तक जनसत्ता से जुड़े रहे जब मैं जनसत्ता में आया। तो उसके बाद मुझ पर प्रभाष जोशी का प्रभाव रहा निश्चय ही, उन्होंने बहुत नया प्रयोग किया था जनसत्ता में, उस तरह का प्रयोग हुआ नहीं था कोई। और इसके अलावा मैं साहित्यिक पत्रकारिता भी, साहित्यिक आलोचना की एक पत्रिका पूर्वाग्रह से भी मैं जुड़ा रहा, इसमें अशोक वाजपेयी थे, और मेरा मेरा मुझे लगता है साहित्यिक चीजों को लेकर के हमारे बीच बहुत अच्छा एक तरह का अंतरक्रिया रही और एक तरह का संवाद रहा। फिर एक राजेंद्र माथुर हमारे, हम एक बड़े पत्रकार थे, उनकी लेखन शैली का मुझ पर असर असर रहा। प्रभाष जी क्योंकि लोक जीवन से ज्यादा जुड़े हुए थे, और वो लेकिन लेकिन प्रभाष जी के लेखन में एक वैचारिक आयाम उतना नहीं था जितना लोक जीवन का आयाम था। तो एक लोक जीवन, और राजेंद्र माथुर के पास एक वैचारिक आयाम था, वो एक नेहरूवादी पत्रकार थे, तो
और नेहरू जी जैसा स्वप्न वो अपने अपने लेखन में भी देखते रहते थे। तो ये कुछ संपादक हुए जिनका कि मुझ पर असर आप कह सकते रहा। और दूसरा, मेरा जो पूरा प्रशिक्षण हुआ, मुझे ये बार बार लगता रहा कि मेरी जो भाषा है वो मुझे पत्रकार होने में सहायता कर रही है, और पत्रकारिता जो है मुझे अपने समाज को और अपने समय को समझने में मदद कर रही है। तो इस तरह से एक साहित्य और पत्रकारिता का संबंध बना रहा। ये संबंध उस दिन, शायद वो बड़ी बड़ा त्रासद दिन था जब हिंदी पत्रकारिता से साहित्य विच्छिन्न हुआ, साहित्य को अलग कर दिया गया। वो एक बड़ी ट्रेजेडी हिंदी के साथ हुई, और वो ट्रेजेडी आज तक चली आ रही है। उसके मतलब तो कुछ बड़े भयंकर नतीजे हुए। मंगलेश जी, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले कि जिनका कहना है कि मंगलेश जी ने हमको बहुत मदद की पहले दिन से पत्रकार बनने में। आपने क्या देख के लोगों की मदद की कि इन्हें इनमें पत्रकारिता का गुण है, या जैसे आपने पत्रकारिता शुरू की उस जिज्ञासा का अंश उनमें देखा? संतोष जी, मैंने जयशंकर गुप्ता ने मुझे कहा कि मंगलेश जी की वजह से मैं पत्रकार बना, कुछ इस तरीके की बात कही। नहीं, ये जयशंकर की भलमन चाहत है कि उन्होंने ये कहा। दरअसल मैंने संतोष जी कोई मदद नहीं की, और मदद शब्द बड़ा भारी है, और लेकिन मैंने सिर्फ शायद ये किया कि ये जो युवा लोग थे, जयशंकर हो या शैलेश हो या और भी दूसरे लोग, मैंने इनमें देखा कि इनमें क्या है, क्या स्फुरण है, और क्या ये उनमें कुछ है जो आकर्षित करता है, और वो आकर्षित क्या करता था, ये मैंने पहचानने पहचानने कोशिश की कि कि इन लोगों की प्रतिभा है वो कहाँ, किस दिशा में विकसित हो सकती है। संयोग से मैं अमृत प्रभात अखबार था। अमृत प्रभात में ये था कि मेरी जो पूरी शिक्षा दीक्षा होती, उसमें मुझे लगा कि एक अखबार को ऐसा होना चाहिए कि जो हर तरह के पाठक वर्ग को संबोधित हो और हर तरह के पाठक वर्ग की जरूरत को पूरा कर सके। राजनीतिक खबरों के लिए बहुत से लोग थे, पत्रकार थे, संवाददाता थे आदि आदि, शहर का हालचाल लेने के लिए बहुत सारे लोग थे तमाम। लेकिन मुझे लगा कि साहित्य संस्कृति जो कि इलाहाबाद से निकलता था अमृत प्रभात, और इलाहाबाद जो कि साहित्य संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रह चुका था, उस समय वो टूट रहा था, तो उसका जो साहित्यिक सांस्कृतिक जो वातावरण है उसको कहीं इस अखबार में प्रतिबिंबित होना चाहिए, और इसके लिए कौन कौन लोग काम कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि जैसे जयशंकर थे उसमें, शैलेश थे, और ये इसके अलावा बहुत से विज्ञान के लोग थे, एक अरविंद मिश्र है, एक जगदीप सक्सेना है, और भी बहुत से लोग हैं। तो वो मुझे लगा कि इन सभी चीजों पर, ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, संस्कृति के जितने भी हिस्से हैं, उन सब के बारे में लिखवाया जाना चाहिए। मैंने वीरेन नंगवाल जो मंगलेश हमारे जी, हाँ जी बिल्कुल 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 हमारे हमारे बहुत प्रिय कवि थे और मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि तुम बहुत भटकते रहते हो, तो तुम ऐसा करो कि इलाहाबाद शहर के बारे में एक तुम साप्ताहिक कॉलम लिख सको। तो वीरेंद्र का साप्ताहिक नहीं, पाक्षिक में लिख सकता हूँ। तो नाम रखा गया घूमता आईना। घूमता आईना में वीरेंद्र नगवाल हर हर पखवाड़े बहुत दिलचस्प चीजें लिखते थे अपनी अद्भुत भाषा में। तो मसलन उन्होंने एक बार लिखा कि अमृत राय जी के घर जाने पर इतने ज्यादा फूल दिखाई देते हैं लगता है कि अगर प्रेमचंद आएंगे तो घबरा जाएंगे। तो इस तरह की चीजें वो बहुत शार्प और बहुत इसको लिखते हैं। लेके कुछ लोगों को बड़ा अटपटा भी लगता था, तो इस तरह की चीजें लिखा करते थे। तो ये हुआ, तो कोई मदद करना नहीं है, लेकिन ये देखकर खुशी होती है मंगलेश कि जी लोग जी आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन जिनके ऊपर आपका प्रभाव है वो आपका नाम लेते हैं, ये अच्छी चीज है। पर मंगलेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस दौर की पत्रकारिता, उस पत्रकारिता में जिस जितने भी तरह के पत्रकार थे, उन्हें दक्षिणमत्थी कहिए, वामपंथी कहिए, पर उस समय की एक खास चीज दिखाई देती है जिसके ऊपर आप टिप्पणी कीजिए कि मैं सही समझ रहा हूं या नहीं। वो ये कि लोग जो भी लिखते थे उसमें कहीं
जनता होती थी, लोगों का दर्द होता था, लोगों की आकांक्षाएं होती थी, लोगों के सपने होते थे, टूटते सपने होते थे। जो जो जमीन पे टूट रहा है, बिखर रहा है या बन रहा है, उसकी झलक होती थी जब आपने पत्रकारिता शुरू की। उसके बाद एक तो इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और दूसरा मेरे दिमाग में एक प्रश्न आपसे हमेशा पूछने के लिए रहा कि आप जब जनसत्ता में आए तो जनसत्ता में तो हर विचारधारा के लोग थे, प्रभाष जी ने हर जगह से किसी किसी को जोड़ के रखा था, धुर दक्षिणपंथी थे, धुर वामपंथी थे, धुर जिसको आपने कहा नेहरूवियन भी थे, तो उसमें आपने सामंजस्य कैसे बिठाया? दो दे प्रश्न एक साथ मैंने आपसे पूछा है। असल मैं जब उस दौर की जो पत्रकारिता थी उस समय निश्चय ही बहुत तरह तरह की विचारधाराओं के लोग थे, और ये विचारधाराएं जो थी वो कहीं ना कहीं समाज से समाज को संबोधित थी, समाज से अपना जुड़ाव महसूस करती थी। मसलन रघुवीर सहाय की चिंता ये रहती थी कि क्या उनका दिन मान पिथौरागढ़ पहुंच गया या नहीं, क्या उनका अखबार अल्मोड़ा पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनका साप्ताहिक पत्र जो है काठमांडू समय पर पहुंच गया या नहीं, और उनको अपने पाठकों की चिंता रहती थी। उसके बाद जब दिनमान के नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद जो संपादक आए वहां उन्होंने ये कहा, मुझसे कहा उन्होंने, मंगलेश जी रघुवीर जी बहुत अपने पाठकों की चिंता करते थे और ये उनको लगता था यहाँ हमारा यहाँ दिनमान पहुंचा वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम एक एक पाठक की चिंता नहीं कर सकते, हम हमारे हमारे पाठक जो है वो है, लेकिन हम उनकी चिंता करने लग जाए तो हम धरे पत्र कैसे निकालेंगे। तो ये उस वो एक बदलाव का सूचक था। उसके बाद जो है वो पाठक का ग्राहक में बदलना शुरू हुआ, रीडर बिकेम द कंज्यूमर, वो उपभोक्ता बन गया। उपभोक्ता आप साबुन के उपभोक्ता हो या मैगी के उपभोक्ता हो या आप दिनमान के उपभोक्ता हो, कोई फर्क नहीं था। तो ये और मुझे लगता है कि दिनमान के बाद जब जनसत्ता शुरू हुआ तो जनसत्ता ने जो की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी कि जनसत्ता अपने पाठकों से संवाद करता, और ये कोई संयोग नहीं है कि दिनमान में मत और सम्मत कॉलम जो पाठकों का कॉलम था वो बहुत बड़ा होता था, 4 पेज, 4 4 5 5 पेज तक इसमें पाठकों की राय छापी जाती। उसी तरह जनसत्ता में जो चौपाल कॉलम था, चौपाल स्तंभ जो कि पाठकों के पत्रों का कॉलम था, उसको बहुत प्रमुखता दी जाती और उसको बल्कि प्रभाष जोशी खुद देखते थे अनेक बार। तो एक पत्र इसका अर्थ ये था कि वो अपने पाठकों से संवाद करना चाहते हैं। उसी चौपाल में प्रभाष जोशी ने एक बार अपने नाम से ही लिखा पत्र प्रिय पाठकों, हमारी प्रसार संख्या इतनी हो गई है, अब हमारी जो प्रिंटिंग मशीन है इससे अधिक अखबार नहीं छाप सकती है, इसलिए आप अपना जनसत्ता बिल बांध कर पढ़िए। ये एक अखबार के जरिए अपने पाठकों से सीधा संवाद करना था, ये बाद में समाप्त हो गया। तो आज कोई संपादक नहीं जो अपने पाठकों से इस तरह से उनको संबोधित करना चाहिए कि भाई हम नहीं छाप सकते हैं, आप इसका बिल बांध के पड़े। तो एक बात यह है, और तो एक उसमें हमें असल में दिनमान क्यों छापता था, तो तमाम जो दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्मों सिनेमा के बारे में विचारों के बारे में, ऋतु घटक और परेश्वरनाथ रेणु को मुख्य पृष्ठ पर छापना, रेणु जी से जो है वो बिहार के अकाल पर कई किस्तों में जो है वो गगन जल नाम से एक रिपोर्टाज लिखवाना, या जो पटना में बाढ़ आई थी उस पर उन्होंने धन जल नाम से एक लिखा था रिपोर्टाज। रेणु कोई पत्रकार नहीं थे लेकिन रघुवीर सहाय ने उनको जबरन पत्रकार बनाया, और आज भी जो बाढ़ और अकाल पर रेणु जी की रिपोर्टिंग है उससे अच्छी रिपोर्टिंग नहीं है कोई भी नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि वो कहीं समाज की चिंता उनको थी कि हम कौन सा समाज बना रहे हैं और हमारा जो पत्र है हमारा अखबार उसमें क्या कोई योगदान कर सकता है और वो क्या योगदान हो सकता है। तो एक बात, एक सवाल का जवाब प्राप्त हो गया। दूसरा ये है कि प्रभाष जी ने जनसत्ता शुरू किया तो वो एक नया विचार था, नया विचार ये था कि
प्रभाष जी जानते थे ठीक जैसे कि मैं एक वामपंथी हूँ, और प्रभाष जी कमोबेश उन सभी लोगों की विचारधारा जानते थे जिनको उन्होंने जिनको रखा है। कोई समाजवादी है तो कोई लोहियावादी है, कोई जेपीवादी है तो कोई जनसंघी है कोई घनघोर रिएक्शनरी है, ये सब जानते थे मोटे तौर पर, लेकिन उन्होंने कभी विचारधारा नहीं पूछी। और बल्कि मैं तो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी देख तो हमारे बैंक लखनऊ में हो गई थी, और मुझे जो है राजेंद्र माथुर जी ने मेरा इंटरव्यू किया था, फिर मुझे बुलाया भी यहाँ, मैं वहां गया तो मुझे प्रभाष जी ने लिखा कि इट सीम्स दैट यू हैव बर्न ऑल योर बूट्स। तो जब मुझे ये उनका पत्र मिला तो वीरेंद्र नगवाल ने मुझे जबरन ट्रेन में बिठाया और कहा कि तुम जाके जनसत्ता ज्वाइन करो। तो मैंने जनसत्ता में मैं इस तरह आ गया शुरू से ही। लेकिन प्रभाष जी ने कभी मेरी विचारधारा को लेकर के या कभी मुझ पर, मैंने इतने वर्षों तक जनसत्ता के रविवारी परिशिष्ट का संपादन किया, साहित्य संस्कृति कला तो कला का प्रभारी रहा, उन्होंने मुझ पर कभी नहीं कहा कि तुम ये चीज इस रचना को छापो इसको नहीं छापो, कभी भी मुझे मेरी स्मृति में आज तक नहीं। रघुवीर सहाय का स्तंभ जब शुरू हुआ वो लगभग मुझे लगता है 5-6 वर्ष चलता रहा, और रघुवीर सहाय की भाषा का अमूर्तन तो प्रभाष जी को बहुत पसंद नहीं था, तो प्रभाष जी लोक जीवन के आदमी थे जिसमें हमेशा ठोस बिंब होते हैं, ऐसे कोई अमूर्त बिंब उसमें नहीं होते, तो उनको वो भाषा समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तुम्हारे मुंशी जी जो हैं, आपके मुंशी जी ये जलेबी बनाते हैं हर बार, तो मैं हाथ देता था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कुछ आपने बनता। उन्होंने उस स्वायत्तता में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। एक बार एक कवि वहां आए जो कि गीत भी जी लिखते थे, उनके गीत कभी छपे नहीं। प्रभाष जी के बाद उन्होंने बहुत शिकायत मेरी जो की, तो जितनी शिकायतें आती है प्रभाष जी मेरा नाम लिख कर भेज देते थे। तो मैं उन्होंने वो प्रभाष जी से मिले, उन्होंने कुछ निजी संबंध उनसे निजी संबंध बताने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा देखो भाई ये मंगलेश नराल दिखते हैं, आप उन्हीं के पास जाइए और वही आपको बताएंगे, तो मैं इस बारे में कुछ बिल्कुल नहीं कह सकता। तो वो इन चीजों को बहुत अलग रख करके करते थे, और मंगलेश जी, वो मंगलेश जी जी दे, जी जी आप पूरा हाँ, कीजिए। और वो उनके मन में विचारधारा का उतना ख्याल नहीं रहता था, क्योंकि उनको लगता था कि सब कुछ समाज में इस तरह की शक्तियां हैं। और तो प्रभाष जी का विचार ये था कि हर तरह की अभिरुचियां, हर तरह की जरूरतों के हिसाब से अखबार को निकाला जाए, इसीलिए रविवारी परिशिष्ट बहुत साहित्यिक होता था। आप आश्चर्य करेंगे संतोष जी कि रविवारी परिशिष्ट में आधा और 3/4 पन्नों तक की कविताएं छपी जो कि अखबारों में कभी संभव ही नहीं थे, बिल्कुल और हर हफ्ते बिल्कुल आप कहते ही नहीं कि लंबी कविता हॉकी खेलती लड़कियां, विष्णु खरे की 3-4 लंबी कविताएं उसमें उसमें आप प्रकाशित हुई, और वो एक बड़े साहस का काम था अखबार में इतनी लंबी कविताएं छापना, और उसकी जो सेमी उसमें अनेक लोग ऐसे इस तरह के प्रकाशित हुए हैं, उनकी कविताएं कहानियां जो शायद पहली या दूसरी बार छपी थी कहीं भी, और बाद में वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं साबित हुई। ये इसके अलावा एक हर हफ्ते जो समीक्षा पुस्तक समीक्षा का स्तंभ था, और पुस्तकों पर पर जो बहुत ध्यान दिया जाता था, उनकी समीक्षाएं बहुत ही सावधानी से कराई जाती थी, और हर हफ्ते कला संगीत नृत्य आदि आदि नाटक रंगमंच इन सब पर सामग्री, मतलब ऐसा इस तरह का कुछ भी नहीं था जो कि जनसत्ता से छूट जाता। उसी तरह एक पेज सिनेमा पर होता था हर हफ्ते, और एक पेज जो खेल पर, एक पेज तो उसमें मैं आपको याद करूं यहाँ पर कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादक थे जो कि बड़े लीजेंडरी आदमी थे, मैं उनका नाम भूल गया, तो जी उनसे पूछा गया था कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स साहित्य बहुत छापते हैं और क्या कारण है इसका, और वो न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स भी वहीं से निकलता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने ये नीति बनाई थी कि साहित्य के पाठक 3% है, लेकिन वो 3% लोग जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण लोग हैं,
वो कोई आम आम लोग नहीं है, बल्कि वे हमारे समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मानित लोगों में से हैं, जिनकी राय, जिनका लेखन बहुत महत्व रखता है, इसलिए हम उनके लिए छापते हैं। तो ये मुझे लगता है ये विचार कहीं ना कहीं जनसत्ता में काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद नवा टाइम्स ने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की और अच्छा ही हुआ है। मंगलेश जी, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। कल मैंने एक साहित्यकार महिला से, बड़ी साहित्यकार है, उनसे सवाल भी पूछा था, पर आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि हम बचपन से स्कूल से दीवारों पे लिखते हमने देखा है, लिखा हुआ देखा है, साहित्य समाज का दर्पण है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, आज का साहित्य और आज की पत्रकारिता कैसे समाज का दर्पण है? किस तरह के समाज का ये दर्शन लोगों को कराता है या भविष्य में लोगों को बताएगा कि जब मंगलेश जी जर्नलिज्म करते थे और उसके उस हिस्से में, जिस हिस्से में जो 2020 का 2020 का हिस्सा है, उस समय का साहित्य और पत्रकारिता कुछ कह पा रही थी या नहीं कह पा रही थी, या आपस में जंगल में भटक रही थी? देखिए, आपने ठीक कहा, साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक बड़ी पुरानी उक्ति है। और उससे भी पुरानी उक्ति एक और है कि साहित्य समाज की आलोचना होता है। तो ये मैं तो अर्नोल्ड ने बहुत पहले कहा था कि साहित्य समाज की आलोचना होती है। तो दर्पण भी है और आलोचना भी है। आलोचना मतलब उसके लिए दर्पण भी है, यानी वो साहित्य समाज का आईना भी है और समाज के लिए आईना भी है। तो ये दो तरफा आईना है, ये दोहरा आईना है, वो समाज का आईना भी और समाज के लिए आईना भी। ये समस्या हमेशा साहित्य और पत्रकारिता में बनी रही है कि वो साहित्य समाज को कितना प्रतिबिंबित कर रहा है, कितना प्रतिध्वनित कर रहा है और उसको कहाँ ले जा रहा है। कबीर साहब मानते थे कि पत्रकारिता और साहित्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से मानव सम नए नए मानव संबंध की खोज करते हैं। तो नया मानव संबंध ये जो बनता है, इसकी चिंता उस समय पत्रकारिता और साहित्य दोनों के केंद्र में थी। अब पत्रकारिता का क्या हाल हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं, आप इतना इतना लंबा आपका अनुभव है पत्रकारिता में, रविवार से लेकर के और चौथी दुनिया। और तो इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, सिवाय इसके कि हमारा जो मीडिया है आज, हमारी जो पत्रकारिता है, उसको तो पत्रकारिता माना ही नहीं जाता है, वो नहीं, जनसंपर्क सवाल है। यहाँ पे खड़ा नहीं, एक प्रश्न है, क्यों हुआ ऐसा हाल? जहां पर आप जैसे लोग हैं पत्रकारिता में, आप और लोगों की भी नाम ले लें, वो हैं, उनके रहते हुए ये पत्रकारिता रसा, जिसको आप कह रहे हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं गुस्से में, माफी के साथ पाठकों से, रसातल में क्यों चली गई या क्यों चली जा रही है तेजी से? हाँ, देखिए बात यह है कि एक प्रक्रिया हमारे समाज में घटित हुई, जिसमें कि जो एक सबसे बड़ा संस्थान था, जो हिंदी पत्रकारिता की सेवा करने वाला, जो बसाऊ जैन संस्थान है, यानी बेनेट कोलमैन कंपनी। तो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, जब तक साहू जैन उसमें थे, जब तक जीवित थे, तब तक आप देखिए धर्मयुग भी निकलता रहा, मतलब सारिका निकलती रही, पराग निकलता। धर्मयुग एक जमाने में एक सबसे बड़ी पारिवारिक पत्रकारिता थी, एक साहित्यकारों के एक तबके का उससे बहुत विरोध भी था, उसको लगता था कि व्यावसायीकरण है, और उसने धर्मयुग को छपना बंद कर दिया, भेजना बंद कर दिया। तो धर्मी भारती ने एक लंबे समय तक बहुत बड़ा काम किया, धर्मयुग को पारिवारिक पत्रिका बना दिया। उसमें उसमें सबके लिए सब कुछ होता था, राजनीति के अलावा हल्की फुल्की राजनीति भी होती थी, लेकिन उससे तो उस बच नहीं सकते आप। उसी दौर में जो है सारिका थी, जो कहानियों की पत्रिका थी, उसी दौर में पराग थी, बच्चों की पत्रिका, तीनों पत्रिकाएं एक संस्थान से निकलती थी। नवा टाइम्स उन दिनों का एक बड़ा हिंदी अखबार, उसके मुकाबले कोई हिंदी अखबार नहीं था, अखबार ही बहुत कम थे उस समय।
क्या कारण है कि ये पत्रिकाएं एक एक कर बंद हो गई, उसी के साथ दिनमान को बंद कर दिया गया। दिनमान में नए मालिकों की कोई रुचि नहीं रह गई थी। जब एक तरह का ये कॉरपोरेटीकरण की शुरुआत थी, तो कॉरपोरेटाइजेशन के का ये आरंभिक दौर था, और पूंजीपति को लगता था कि जो चीज हमें मुनाफा नहीं दे रही है उसी को चलाने का कोई लाभ नहीं, भले ही वो इंडिगो। आज आप देखिए कि बेनेट गोल्डमैन कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया के पास साहित्य के नाम पर कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ एक नया ज्ञानोदय नामक एक पत्र निकलता है भारतीय ज्ञानपीठ से। वो साहित्यिक पत्र है, वो भी अत्यंत संकट में रहता है हमेशा। उसके बारे में खबर आती है कि आज आप इस महीने बंद हो जाएगा, अगले महीने बंद हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ अब किताबों को भी उतना बढ़ावा नहीं देता है, उनका प्रकाशन भी उसने लगभग रोक दिया है, और अब सिर्फ वो ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्योंकि उसका काफी नाम है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा है, इसलिए वो, और वो एक अखिल भारतीय पुरस्कार है, पैन इंडिया, जो कि सारी भाषाओं में दिया जाता है, उसको किसी तरह चलाया जा रहा है। उसमें भी जो उसके प्रॉपर राइटर हैं, उनकी कोई शिरकत नहीं होती, वो उसमें शामिल होते ही नहीं। उनको साहित्य से कोई मतलब नहीं है, उनको हिंदी से भी कोई मतलब नहीं। वही हाल हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ, उसका एक साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद कर दिया गया, नंदन बंद कर दिया गया, नई नंदन अब हाल में बंद हुआ, सिर्फ कादंबनी रही जो कि पता नहीं किस बंद वजह हो से गई? चलाई, अब बंद हो नहीं, गई वो। अब तो हाँ बंद हो गए। हाँ, बंद हो गए। जी, तो उस दौर में ये चीजें एक एक करके, ये पत्रिकाएं एक एक करके सब बंद होती हैं। तो कॉरपोरेटीकरण का जमाना था, जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसकी आहटें आ रही थी, वो दस्तक दे रहा था ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ तो कुछ देर बाद शुरू हुआ, पश्चिम में बहुत पहले शुरू हो गया था। तो मुझे लगता है इसके कारण कहीं ना कहीं उस नई अर्थव्यवस्था में जो किसी भी चीज को तभी सही मानती थी जब वो मुनाफा देने लगे, जब जब वो लाभकारी हो गया। तो एक कारण तो उसका ये था। दूसरी बात ये कि मीडिया में ऐसे लोग आ गए जिनका दरअसल मीडिया से कोई संबंध नहीं था, उनके काम कुछ और थे। मसलन बड़े पैमाने पर बिल्डर का काम करना, बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त का काम करना, तो जो जमीनों और इमारतों की खरीद फरोख्त के कॉरपोरेट थे, जो बड़े बिग बिल्डर थे, यानी ये समझिए कि भवन निर्माता ही राष्ट्र निर्माता कहे जाने लगे। तो अगर हमारे भवन निर्माता राष्ट्र निर्माता हो जाएंगे तो इसका नतीजा यही होगा। बिल्कुल। तो वो दौर ये था जब मुझे लगता है ये कि शायद राजीव गांधी सत्ता में आ रहे थे, सत्ता में आए थे। उसके बाद नरसिंह राव आए, नरसिंह राव राजीव गांधी दो लोगों ने, और उसके नरसिंह राव ने बहुत ज्यादा, नरसिंह राव ने एक निजीकरण की आंधी आंधी चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही उनसे ही शुरुआत होती है विभिन्न तरह के कॉरपोरेट हिंदुस्तान आते हैं। और ये लगभग वैसा ही था जैसे कि कुछ मुगल बादशाहों ने जो अंग्रेजों को आने की अनुमति दी थी, आप आइए हमारे यहाँ, आप दरबार में आइए, तो उसके बाद से यहाँ ईस्ट इंडिया। मंगली जी, मैं आप मंगली जी, 1 मिनट, एक क्षमा के साथ आपको रोकता हूँ। इसलिए रोकता हूँ क्योंकि हम लोगों का जो वक्त है भाग रहा है, और आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर टिप्पणी चाहिए। वो ये कि इसका जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लगातार झूठ परोसें, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बुनियादी सवालों की अनदेखी करें जिनका रिश्ता इंसान से है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो पिछले दिनों टेलीविजन पर हुआ, उदाहरण के तौर पर सुशांत का केस, सारे टेलीविजन चैनल ने पिछले 3 महीनों से इस देश के लोगों की नाक में दम कर रखा, और जिस तरीके से उन्होंने एक ही खबर को, सारे, कोई अपवाद नहीं था, सब लोगों ने उसको दिखाया और लोगों को भरोसा दिलाया कि सुशांत की हत्या हुई है।
अब जब कल रिपोर्ट आ गई एम्स की, तो किसी ने माफी भी नहीं मांगी, किसी ने माफी नहीं मांगी। और अब नए सिरे से जो आज से देखने को मिल रहा है कि कुछ टेलीविजन चैनल हाथरस की घटना को जातीय दंगों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और एक समुदाय को तेजी से दिखा रहे हैं जो दूसरे समुदाय के खिलाफ घृणा की बातें ओपनली टेलीविजन पर कर रहा है। तो कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब ये तो नहीं है कि आप इस तरीके की बात करें। एक चैनल है जो तेज चैनल है, लेकिन वो जितनी गलत खबरें दिखाता है, खबरों पहले तो भूल सुधार भी होता था, क्षमा याचना भी होती थी, लेकिन अब तो आप कितना भी झूठ दिखाएं जो अगले घंटे गलत साबित हो जाए मंगलेश जी, और आप खेद भी न व्यक्त करें कि हमने ये गलत खबर दी। तो क्या कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं, का ही मतलब होता है कि आप जहर लोगों को परोसते रहें? उससे तो शुरुआत हुई। आज तो हालत ये कि सत्ता ने, हमारी जो सत्ता है उसने सबको खरीद लिया है, सबको खरीद रखा है एन के एन प्रकार से, साम दाम दंड भेद, या तो आप डर दिखा करके, या पैसा दे करके, या लालच दे करके सबको खरीद रखा है। उनको बेचे, उनको खरीदे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो दरअसल मीडिया के संस्कार उन लोगों में आए नहीं, है ना। ये हमारा हमसे 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 कहीं ज्यादा अच्छा तो पाकिस्तान का मीडिया है, जो एक टोटलिटेरियन व्यवस्था में रहते हुए भी अपने आलोचना जो है जारी रखता है, तो हमसे हमसे कहीं ज्यादा अच्छा। और ये भारतीय मीडिया और खासकर हिंदी मीडिया तो दुनिया भर में बदनाम है, तो दुनिया में इसको इतना मजाक उड़ाया जाता है, इसका इतना मखौल उड़ाया जाता है, ये कोई मीडिया है। तो ये इसलिए अब आप देखिए कि जो टेलीविजन चैनल है जिनको 24 घंटे दिखाना होता है, उनके पास कितनी खबर है, उनके पास मुश्किल 2 घंटे की खबर है। 2 घंटे की खबर को उन्होंने 24 घंटे तक उनको जो फैलाना पड़ता है, आप उसको फैलाइए, आप उसमें झूठ पूछिए और लगातार झूठ, और क्योंकि सत्ता इस समय कह रही है कि तुम झूठ बोलो और तुम हमारे हिसाब से चलो। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक बार प्रभाष जोशी ने बाबरी मस्जिद कि उबलते हुए दिन थे, और एक बार प्रभाष जी ने आकर कहा कि भाई मैं मुरली मनोहर जोशी से मिला था, तो उन्होंने मुझसे कहा अंत में चलते हुए कि बस प्रभाष जी आप तो हमारे पक्ष में लिखते रहिए बस। तो प्रभाष जी ने कहा कि आदमी क्या समझता है अपने को कि हम इसके पक्ष में लिखने के लिए बने हुए हैं, मतलब आज तो हालत यह है कि आज तो प्रधानमंत्री बुलाकर कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है, नथिंग डूइंग, आपको 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 ही करना है, वरना वरना के आगे डॉट 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 बहुत सारे। तो जब ऐसी हालत हो गई है और कहीं प्रतिरोध नहीं रह गया है, पत्रकारों के पास कोई नैतिकता बची ही नहीं है कोई, सिवाय इसके कि उनको हमेशा ये डर रहता है कि अगले दिन हमारी नौकरी ले ली जाए, ठीक है। तो इस समाज में बेरोजगार रहना, खासकर ग्लोबलाइज समाज में जहाँ आप एक कदम नहीं चल सकते हैं इसके भी, इसके बिना आर्थिक, उसके बिना, तो वहां 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 क्या होगा। देखिए ये व्यवस्था बदल जाए, सत्ता का चरित्र ठीक हो जाए, तो मुझे मीडिया भी ठीक हो जाएगा। आप देखिए केरल का जो मीडिया है, केरल की टीवी, केरल का न्यूज चैनल तो नहीं करते होंगे ऐसा, आप उनका अध्ययन करें, अगर आप बंगाल के न्यूज चैनल नहीं करते होंगे ऐसा, हाँ यहाँ आकर करते होंगे, वो एबीपी न्यूज जो यहाँ आकर करता होगा ये सब, इसलिए कि ये इसमें जो सत्ता को ऐसी ही जरूरत है। तो ये आज देखिए सारी संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर यहाँ से बंद कर दिया जाता है, तो जो झूठे आरोपों उसके बारे में कहीं कोई खबर मैंने नहीं पढ़ी, कहीं कोई विरोध नहीं होता। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी गौरवशाली संस्था जिसने दुनिया में राजनीतिक कैदियों, अत्याचार के शिकार लोगों, काले लोगों, औरतों तो पर जो दमन को लेकर दुनिया में इतनी आवाज उठाई, गौरवशाली इतिहास है उस संस्था का, उसको देखा यूरोपीय यूनियन विरोध करती है, भारत सरकार कहती है कि नहीं हमने हमने ठीक किया है, इसके बारे में कोई आलोचना हमारे यहाँ नहीं होती। तो एक एक कर सारी संस्थाएं इस तरह से खत्म इस देश में हुई हैं, कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। एक आदमी जिस जिसने जीवन में कला संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, उसको कला संस्था का प्रमुख बना दिया जाता है। एक तंबाकू व्यापारी को
मिठाई की दुकान का मालिक बना दिया जाता है, जो मिठाई बनाओ क्या, मतलब कोई योग्यता का कोई ध्यान ही नहीं है। मतलब कांग्रेस सरकार में कम से कम योग्यता का ध्यान रखा जाता था, योग्य लोगों को ही बिठाया जाता था, भले ही उसके अपने स्वार्थ थे, अपने निहित हित थे उसके, लेकिन आज तो किसी को कहीं भी बिठाया जा सकता है। तो तो मंगलेश जी, अंत में आपसे ये पूछना है, ये आखिरी सवाल है कि आपकी जैसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी भी है और बाहर भी देखता है, अंतर्मुखी का मतलब आप सोचते ही ज्यादा हैं, विश्लेषण करते हैं, आप साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, आप किस तरीके का समाज और किस तरीके उस समाज को बनाने में या बिगाड़ने में जो भी आप सोचते हो, हमारी पत्रकारिता का कितना योगदान आप देखते हैं भविष्य में? भविष्य में, मैं भविष्य में तो क्या देख पाता हूँ, भविष्य तो मुझे लगता है कि क्या भविष्य के बारे में मेरे पास कोई निश्चित तस्वीर नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का योगदान बहुत ज्यादा रहा है और उस योगदान को भुलाया जा रहा है लगातार, और लगातार मुझे नहीं लगता है कोई अपने किसी बड़े पत्रकार को याद करता है, और वो सिर्फ मुझे लगता है विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता रहा होगा। और अब ये है कि भविष्य तो ये जरूर है कि भविष्य डिजिटल है और ये दिशा वही है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का बल्कि शायद मुझे लगता है ज्यादा एक तरह का योगदान है उसमें, अच्छा बुरा बहुत कुछ है, और खासकर व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे बहुत खराबियां हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया जो है क्योंकि इस पर एक मोटे तौर पर एक जनता का नियंत्रण है, यानी आप जाके उसमें हस्तक्षेप कर सकते, आप अपना कुछ ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, आप जो फेसबुक पर जा सकते हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, यानी कम से कम वो एक बड़ी हद तक जनता के हाथ में, भले ही उसका संचालन करने वाली शक्तियां जो है वो पूंजीवादी हो और है ही, लेकिन वो उसमें इतनी छूट है क्योंकि उस माध्यम की अपनी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि आप वहां जाकर हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये इंटरैक्टिव मीडिया है, यानी अंतर क्रिया करने वाला मीडिया, ये अखबार ऐसे नहीं है, टीवी चैनल ऐसे ऐसे नहीं, वो एक तरफा है, आप सिर्फ उनके संदेश सुन सकते हैं, उनके बिंब देख मंगलेश सकते जी, हैं। आप जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मंगलेश जी आपको शायद पता नहीं, ये जानकारी अभी तक आई है या नहीं आई है कि सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं, जिसे आप यूट्यूब कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं, इन लोगों ने 350 शब्द बना रखे हैं और डाल रखे हैं कि अगर किसी भी लेख में ये शब्द आते हैं तो ये लेख नहीं जाएगा, ये हटा दिया जाएगा। एक उन्होंने अच्छा, लगभग लगभग उन्होंने 150-200 लोगों के नाम डाल रखे हैं कि अगर ये कुछ लिखते हैं उसको आगे प्रमोट न किया जाए, प्रमोट किया जाए सिर्फ 100 लोगों तक, 200 लोगों तक, 300 लोगों तक, जिनमें मंगलेश डबराल का भी नाम हो सकता है, संतोष भारती का भी हो सकता है, पुणे का भी हो सकता है, अभिसार का भी हो सकता है, विनोद दुआ का भी हो सकता है, ओम थानवी भी, कोई भी हो सकते हैं, कि इनके अगर नाम है उसमें तो इनका लिखा हुआ कितना भी अच्छा साहित्य या पत्रकारिता का पीस हो, वो आगे प्रमोट नहीं होगा। ये एक नई चीज हुई है, और आपने शायद ध्यान दिया हो कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि टेलीविजन तो ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया इस देश में घृणा, द्वेष और विद्रोह फैला सकता है, इसलिए इसके ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। मैंने जी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कहा सोशल मीडिया को लेकर के। पर अब आखिरी सवाल आपसे मैं हर स्टार जर्नलिस्ट से पूछता हूं कि इस सारे घटाटोप में या इस सारी स्थिति में जो परेशान करने वाली, विचलित करने वाली है, इस स्थिति में आप नौजवानों को, नए लड़कों को क्या राय देते हैं कि वो पत्रकारिता में आए या ना आए, अगर आए तो क्या सावधानियां रखें? और आपको एक चीज बता दूं कि अब इस देश के लोगों को रघुवीर सहाय, सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र माथुर जैसों के नाम याद नहीं है। आप नए पत्रकार जो आ रहे हैं उनसे आप 20 नाम पूछें, जिनमें से वो 15 नाम नहीं बता पाएंगे कि ये पत्रकारिता में रहे भी हैं या नहीं रहे हैं। मंगलेश डबराल भी विदर अवे वाला नाम है कि गायब हो जाएगा। तो
ये तो सिर्फ कमेंट था मेरा, पर आप ऐसी इस स्थिति में नए पत्रकारों को क्या राय देंगे? देखिए संतोष जी, पत्रकारिता में लोगों का आना तो जारी रहेगा क्योंकि उसके नए आयाम भी खुल रहे हैं। क्योंकि देखिए आपने सोशल मीडिया कितना कारगर है, इस बात से ये जाहिर है कि उसका दमन नियंत्रित करने के लिए इस तरह के सारे उपाय 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 किए गए हैं, किए जा रहे हैं, आगे शायद और भी किए जाएंगे। तो यानी इसका मतलब वो कारगर है, उसका उसका अगर उसका सही उपयोग तो पत्रकारिता में तो लोगों का आना जारी रहेगा, क्योंकि पत्रकारिता के नए नए संस्थान खुले हैं, खुल रहे हैं। उनकी जरूरत न सिर्फ अखबारों या टीवी चैनल या सोशल मीडिया है, बल्कि कॉरपोरेट जो कॉरपोरेट घराने हैं, भूमंडलीकरण ने जिन जिन उसको सामने सा रखा है, उनका जो पूरा कम्युनिकेशन का जो विभाग है उनके उनमें भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जरूरतें कम तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का गोल्डन रूल ये रहा कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, एक। दूसरा ये रहा कि पत्रकारिता का पहला काम यह है कि समाज में, व्यवस्था में जहां गड़बड़ियां हैं उन पर उंगली रखे। ये उसी क्लासिक भूमिका रही है, आज से नहीं बल्कि जब से पत्रकारिता शुरू हुई। तो एक जहां गड़बड़ियां हैं समाज की, व्यवस्था की, वहां हम उंगली रखें, वहां उसकी ओर इशारा करें, एक। और दूसरा यह है कि न्यूज तभी है जब गड़बड़ हो, जब कोई चीज खराब हो। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम लोगों को देशद्रोही कहा जाता है, कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस सरकार का, सत्ता का, देशद्रोही। देशद्रोह का क्या अर्थ है भाई? हम अपनी जनता से प्यार करते हैं, हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एक नक्शा नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के लोग ही लोग ही हिंदुस्तान है। और हम जहां देखते हैं कि हमारी सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ कोई दमन कर रही है, अन्याय कर रही है, तो सरकार की, व्यवस्था की, सत्ता की भी गड़बड़ियां हैं, उनकी ओर इशारा करना ही हमारा देश प्रेम है। यही देश प्रेम है। देश प्रेम कोई नक्शे की भक्ति करना नहीं है, या कोई कोई इस तरह सत्ताधारियों की भक्ति करना नहीं है, बल्कि उस लोगों की भक्ति करना है। और उनके साथ अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसकी ओर इशारा करना ही जो देश में, यही पत्रकारिता का जो काम है। तो जहां गड़बड़ देखती है, इसलिए मुझे लगता है जो आने वाले पत्रकार हैं उन्हें शायद हर खबर लिखने से पहले ये शायद थोड़ा विचार करना जरूरी होगा कि क्या इससे समाज का कुछ भला होगा, क्या इससे हमारा समाज कुछ बेहतर हो पाएगा, क्या ये समाज के हित में है। ये हमारा जो समाज, चलिए हिंदी भाषी समाज है, जो गरीब है, निर्धन है, अत्याचारों से ग्रस्त है, जिसमें तरह तरह की समस्याएं हैं, स्त्रियों को समस्या है, आदिवासियों की समस्या है, दलित भयंकर दमन के शिकार है, मुसलमान दमन अलगाव घृणा के शिकार है। तो मुझे लगता है पत्रकारिता में ये जरूर ये चिंता रहनी चाहिए कि हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या ये समाज का कोई हित है इसमें। मंगलेश डबराल जी स्टार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आपको बहुत सारे इशारे किए और बहुत सारी वो बातें बताई जिनकी सावधानी हमको रखनी जरूरी है। और कहाँ से ये पत्रकारिता, माफ कीजिएगा, कहाँ से इस पत्रकारिता में भटकाव आना शुरू हुआ, ये सब आज के पत्रकारों के सीखने की एक कमाल की चीज है। मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले एक घटना याद करना चाहूंगा। मंगलेश जी लखनऊ में थे, वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे और वीपी सिंह ने त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र देने के बाद मुझे लगा कि इस आदमी में, क्योंकि वो व्यक्ति जब तक मुख्यमंत्री रहा, हम सारे पत्रकारों ने, खासकर मैंने तो जबरदस्त उनके विरोध में रविवार में कैंपेन ही चला रखा था। उनके त्याग पत्र देने के बाद लगा कि नहीं, इस आदमी में कुछ अच्छाई है। तो वीपी सिंह जी को मैंने अपने घर पे भोजन के लिए रात में आमंत्रित किया। मंगलेश जी और इनके एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत बड़े कवि, जिन्होंने बता नहीं किस मानसिक स्थिति में आत्महत्या कर ली, राजेश शर्मा जी, ये दोनों घर पे थे। और हम लोगों ने वहां पहली बार वीपी सिंह के मुंह से उनकी कविताएं सुनी।
मंगलेश जी ने भी बहुत सारी कविताएं सुनाई, राजेश जी ने सुनाई, और वो जो रात थी, वो जो लेट लेट इवनिंग थी, वो कमाल की लेट इवनिंग थी। 12 बजे हम लोगों ने, शायद 12:15 बजे वो समाप्त की थी। और जब हम नीचे गए तो हमने देखा कि न कोई सुरक्षा कर्मी था, न कुछ था। वीपी सिंह जी खुली जीप खुद चलाते हुए आए थे, मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए, और वहां से फिर लौट के वो जीप चलाते हुए गए। तो मंगलेश जी के साथ मैं उस घटना को इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मंगलेश जी उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हैं, और आज मैंने इस अवसर का लाभ उठाया आपको इस घटना को बताने में। और मंगलेश जी को मैं इसलिए याद करता हूं कि मंगलेश जी हमेशा साफ सीधे रहे। उस समय भी उन्होंने वीपी सिंह जी से जो बातचीत की, बड़ी चुटीली बातचीत की, वो उन्होंने कैसे क्या गड़बड़ की, कहाँ क्या की, ये आपसी बातचीत जब कविताएं शुरू बाद में हुई, पर उसके पहले जो बातचीत हुई उसमें मंगलेश जी ने बड़ी चुटीली बातचीत उनसे की, और वीपी सिंह जी को बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। वो इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मंगलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे धन्यवाद। अनुरोध पर आए, आप मेरे अनुरोध पर आए और आपने इतनी गंभीर बातें लोगों को बताई। मैं सोच रहा था आप घटनाएं बताएंगे, पर आपने घटनाओं को विश्लेषण में परिवर्तित कर दिया और लोगों को सीख दी कि अगर समाज को नहीं बदला गया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। ये इनका सारा वक्तव्य आप अगर दोबारा देखेंगे, जो आपके पास रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब में है, सीधे लाइव हो रहा है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगलेश जी ने किस समझदारी के ढंग से पूरे समाज का विश्लेषण भी किया, समाज की गिरावट के कारणों को भी बताया, और पत्रकारिता का उसमें क्या योगदान है इसको भी बहुत साफ साफ कहा। मंगलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को समाप्त धन्यवाद करने की इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। आपको भी और आपकी टीम को भी।